कंपटीशन को जीतकर हमारा और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है सिंघानिया डायमंड्स के। नैतिक सिंघानिया ने मिस्टर नैतिक सिंघानिया प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, हमें काफी कम समय मिला था जिसमें हमें एक ऐसी चीज तैयार करनी थी जो ना सिर्फ एक सुंदर चीज हो बल्कि यूनिक भी हो। मैंने और मेरी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके वो चीज तैयार की। कहते हैं कि हर अच्छे काम के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक इंस्पिरेशन होती है। मेरी इस जीत के पीछे, इस सक्सेस के पीछे भी ऐसा ही एक शख्स है। उस शख्स के बिना ना तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाता और शायद ये अवार्ड भी मैं नहीं जीत पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी जिंदगी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान है उससे मिले। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज डायरेक्टर ऑफ सिंघानिया डायमंड, माय वाइफ मिसेज अक्षरा सिंघानिया। जिनके बिना ना तो ये जीत कोई मायने रखती है और ना ही मेरी जिंदगी। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज मेरे बिहाफ पे अक्षरा ये अवार्ड रिसीव करें। सो प्लीज कम ऑन स्टेज। ने बिल्कुल सही कहा है, बहू ने मुन्ना के लिए जो जो किया है वो करना सबके बस की बात नहीं है। इन दोनों का रिश्ता सच में एक मिसाल है। थैंक्स नैतिक, इस अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड आज वो है जो आपने मुझे दिया। सही मायनों में इसकी असली हकदार ना आप ही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन नैतिक, आज सच में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं नैतिक का फ्रेंड हूँ। थैंक्स मोहित, अब तू भी हमारे साथ जुड़ रहा है तो बस देख क्या क्या कमाल करते हैं हम लोग। बहुत बहुत बधाई हो समधन जी, आपको भी। बच्चे तो सबके सांझे होते हैं समधन जी। मेरा मोहित भी बहुत होनहार है, उसका बॉस तो उस पर जान छिड़कता है। मोहित इतना मेहनती और ईमानदार है कि अभी उसकी बड़ी तरक्की होने वाली है, बहुत बड़ा काम मिलने वाला है उसे। ये बड़ी बात नहीं होगी अगर उसका बॉस अपनी कंपनी उसके नाम भी कर दे, है ना बेटा? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं होने वाली वहां। तू ऐसा क्यों कह रहे हो माँ? क्योंकि मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा माँ। जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं बिजनेस करूंगा माँ, अपने दोस्त नैतिक के साथ। पागल हो गया तू? ऐसी बातें कर रहा है? तुम अपने ससुराल वालों की चाकरी करोगे? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। नैतिक और मोहित जी साथ में एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप ऐसे मत सोचिए।
मैंने सोचा कि हमारा जो एक्सपेंशन वाला प्रोजेक्ट है उसकी मार्केटिंग वही देखेगा, ठीक क्या ना? बिल्कुल नहीं, मोहित ऐसा कुछ नहीं करेगा। मोहित बेटा तुम घबराना नहीं, एक नौकरी गई तो क्या हुआ, तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें एक से एक नौकरियां मिल जाएंगी। और अगर नौकरी नहीं करनी है तो ससुराल वालों की चाकरी करने से अच्छा है तुम अपना छोटा बड़ा काम शुरू करो। माँ आप मेरी बात नहीं समझ रही है। मैं सब समझ रही, ये अकल जरूर तुम्हें बहू ने दी होगी। अरे माँ, आई एम सॉरी, मैं माँ की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं घर जाके उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। नंदिनी चले, प्लीज एक्सक्यूज अस। बाऊजी क्या आपको भी लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? बाऊजी मैं सच में चाहता हूँ कि मोहित हमारे साथ काम करे, इसमें उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। और फिर बचपन का वादा किया था कि हम दोनों साथ में काम करेंगे तो वो भी हो जाएगा। मुन्ना तेरे मन में क्या है हम सब जानते हैं बेटा, पर रुक्मिणी बहन का मानना भी तो जरूरी है ना। माँ आप कुछ तो कहिए, इतना नाराज क्यों है, क्या बात है? बात सीधी है, वो मैं नहीं चाहती कि मोहित नैतिक के साथ काम करे। पर क्यों? देख मोहित, जब शौर्य नैतिक साथ में काम कर रहे थे तो वो पार्टनर थे, मुनाफे में औधे में, क्योंकि वो लोग बराबरी के थे। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी नौकरी चली गई है इसके वजह से तुम उनके साथ काम करोगे, एक नौकर बनकर, मालिक बनकर नहीं। माँ आप क्यों ये सब उल्टा सीधा सोचती रहती हैं? वो लोग कितना भी कर लें आप कभी खुश नहीं होती। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि नैतिक मेरे साथ गलत बर्ताव करेगा? वहां मुझे जमाई का मान मिला, इतना आदर मिला, अपने बेटे की तरह सब लोग मुझे प्यार करते हैं, ये सब आपको नहीं दिखता? बस जब देखो आप तब हर चीज का गलत मतलब निकालती रहती है। तू तो बोली मत मोहित, तू कुछ समझता ही नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ, पैसा ही बड़ा होता है, दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। तू दफ्तर में उसके साथ नहीं उसके नीचे काम करेगा, उसका नौकर बनकर, मालिक बनकर नहीं। मुझे नैतिक का मालिक बनने का कोई शौक भी नहीं है। I'm so happy, Akshara. I love you. मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ। हमने अपना वादा निभाया। इतने सालों से हमने कितने उतार-चढ़ाव देखे ना? और मुझसे ज़्यादा आपने तकलीफें झेली। बस बस, अब ये थैंक यू और इमोशनल स्पीच देना बंद कीजिए। आपकी बीवी हूँ मैं और मेरा हक बनता है। और अगर हमने ऐसे एक दूसरे का साथ निभाया ना हमेशा, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मम्मा पापा। आपने मेरे साथ तो सेलिब्रेट ही नहीं किया। आपके बिना हमारा कोई सेलिब्रेशन पूरा हो सकता है भला? वाव नक्श, इतना प्यारा केक। लेकिन ये पापा, ये शुगर फ्री है, मुस्कान दीदी ने स्पेशल वाला मंगाया है। डैड, हेलो डैड, कैसे हो बेटा? तुमने मुझे फोन नहीं किया? डैड वो मैं थोड़ा काम में बिजी था, आप कैसे हैं? कौन से काम में? मैंने आपको बताया था ना, नैतिक भैया ने एक असाइनमेंट दी थी मुझे। अच्छा, तो तुम उन लोगों के लिए काम कर रहे हो। बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि उन लोग का एहसान मत लो, वो लोग तुम्हें ऐसे बस छोटा मोटा काम पकड़ाएंगे। मेरी कंपनी में आ जाओ, तुम मालिक हो गए यहाँ के, इंपॉर्टेंस होगी तुम्हारी। बेटा वो लोग तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब ऐसे क्या रिश्ता है तुम्हारा? You're right, Dad. कोई रिश्ता नहीं है मेरा यहाँ किसी से। फिर भी नैतिक भैया ने मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों दी? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने इतनी गड़बड़ की, फिर भी वो मुझे एक नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं। What do you mean?
यही डैड की नैतिक भैया मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझे काम सिखाना चाहते हैं। ही इज गिविंग मी अनदर चांस क्योंकि उनको मुझ पर पूरा भरोसा है। वैसे तुम्हारी सैलरी क्या है वहाँ? डैड पहले काम तो ठीक से सीख लूं, और अपनों से पैसे मांगना अच्छा लगता है क्या? बाबूजी वो मीटिंग 10 बजे की है ना? हाँ बेटा, तुमने सारे पॉइंट्स रेडी कर लिए ना, आज फाइनल कर देंगे। पॉइंट्स क्या, हम तो डील भी फाइनल कर देंगे। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाय। शाबाश बेटा, बिल्कुल समय पर आई हैं आप। अंकल वैसे मेरा सब काम परफेक्ट होता है। वैसे जब से करिश्मा ऑफिस में आई है प्रोफेशनलिज्म आ गया है, है ना काका? बिल्कुल, हमारे सारे क्लाइंट्स भी काफी इंप्रेस्ड हैं, काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। अब बेटा आओ बैठो ना, कुछ चाय वगैरह लो। जसप्रीत बेटा एक्चुअली हमको चलना चाहिए ना, काफी लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा चलो, देर हो रही। ये क्या, इन कपड़ों में जाएगी मीटिंग में? मैं आजकल ऐसे ही चलता है, ये रोज ऑफिस ऐसे ही जाती है। क्या बोले कोई बच्चों को। दीदी वैसे करिश्मा और जसमीत बहुत अच्छी सहेलियां हैं ना, पर कुछ दिनों से ये लोग दोनों अलग अलग रहने लगे। तूने भी देखा ना छोटी, मुझे भी ऐसा लगा। जरा पूछना तू जसमीत से, कोई बात हुई है क्या? क्या पूछना बड़ी बहू, सहेलियों में तो ऐसे चलता ही है। याद है ना अपनी अक्षरा वर्षा? भाभी एक और गुलदस्ता आ गया। श्रीवास्तव अंकल के यहाँ से आया है। सुबह से कितने सारे गुड विशेस और कितने सारे बुकेज आए ना समाज वालों की तरफ से। क्यों नहीं आएंगे बहू, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आंसर देखो 1582। वेरी गुड, अब दूसरा सम करो। मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, तू थोड़ा पानी पी लूं। तुम सम करो। गिरजा नक्श के लिए पानी लेके आना प्लीज। मम्मा मुस्कान दीदी बिल्कुल आपकी तरह स्ट्रिक्ट है। आप जैसे नौटंकी के साथ ना ऐसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। वैसे मुस्कान थैंक यू वेरी मच, आज तुमने मेरी हेल्प कर दी इसको पढ़ाने में, तभी मैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर पाई। थैंक्स क्या दीदी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बहू तुझे बाजार से कुछ चाहिए? श्राद्ध लग जाएंगे तो नया सामान नहीं खरीदेंगे हम। नहीं भाभी माँ मुझे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, आप देख लीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मीना बहन भी आई है। बैठिए बैठिए। क्या हुआ इनको? देखिए ना इनकी तबीयत खराब हो गई है, मैं आ ही नहीं रही थी, लेकिन मेरे सामने इनके पेट में जोर से दर्द उठा इसलिए लेके आई। डॉक्टर के पास गए थे लेकिन वो शहर के बाहर गए हैं। जल्दी से दवा दे दो। मुझे बताइए पहले कभी ऐसा दर्द हुआ है आपको? नहीं पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे पता है मुस्कान दीदी, ये आंटी एक्टिंग कर रही है, इनको काम नहीं करना है ना, इसलिए मैं भी पहले ऐसे ही पेट का दर्द का बहाना बनाता था मुझे जब स्कूल नहीं जाना होता था। देखिए मैं समझती हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। आपको किसी चीज की एलर्जी हुई है कभी? नहीं नहीं। अरे जल्दी से दवाई दे दीजिए ना, देखिए ना दर्द के मारे मरी जा रही है। आप मुझे बताइए आपने कभी आयुर्वेदिक दवा ली है पहले? हाँ ली है। ली है ठीक। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठे, मैं अभी दवा बना के लाती हूँ। मैं अभी ठीक हो जाएगा। क्या करूँ? मैं कमिंग सर। क्या है कमिंग? क्या ले आ गए अपनी पुरानी आलू चाट? अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने साल बाद खा रहे हैं ना? हाँ इतने सालों से मैंने भी कहाँ खाई है। एक्चुअली बात क्या है, जब तक तेरी बकबक ना सुन लूँ ना आलू चाट का मजा ही नहीं आता है। वैसे बाप लाऊ तेरा जो बिजनेस प्लान है ना कमाल का है, आई मस्ट से। थैंक्स, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सूरज जाके सेटअप करना पड़ेगा तुझे। एक्चुअली शुरुआती दिनों के लिए एटलीस्ट। हाँ तो उसमें क्या है, मैं भी से जुड़ जाता हूँ, फिर अपना बिजनेस प्लान मैं तुझसे डिस्कस कर लूंगा। एनी टाइम। जस्ट ये दवाइयाँ भी रख लीजिए। ठीक है।
जादू सा असर किया आपकी दवा ने, आराम मिला मुझे। ऐसी वैसी वैद नहीं है ये, बहुत ज्ञानी है। अब रिश्तेदार है इसलिए फट से ले आई, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब मैं चलती हूँ, रुक्मणी बहन का तो स्वभाव ही ऐसा है, सबकी बहुत मदद करती है। भगवान ऐसा बड़ा दिल किसी किसी को देता है। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। अब काम तो सबको पड़ता ही ना, कभी मुझे कभी आपको। अब देखिए ना, मोहित नैतिक के साथ बिजनेस करेगा, मेरे मना करने के बावजूद भी। अब बच्चों के आगे क्या कोई कर सकता है, उसे आप पे बहुत भरोसा है, बस ध्यान रखेगा उसका। आप चिंता मत कीजिए आंटी, और वैसे भी नैतिक और मोहित जी बचपन के दोस्त हैं, उनके बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये ले जस्मीन, इसे भी चॉप कर दे, कोफ्ते में डाल देंगे। भाभी ये तो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं। ला मुझे दिखा दो, मैं ट्राई करती हूँ। ये तो खराब लग रहा है। क्या खराब है, अभी तो नया लिया था ना? नहीं नहीं काकी, खराब नहीं है, वो नया नया है ना, इसलिए शायद मूव नहीं कर रहा है। मैं कहती हूँ ऐसी चीज लेनी ही क्यों है, घर में चाकू पड़ा है उसका इस्तेमाल करो। इन चीजों से काम जल्दी के बजे और देर से होता है, अपनी मेहनत बचानी है इन बच्चों को। छोटी कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। दीदी सोच समझ के लेनी चाहिए ना चीजें, उसने तो फ्रेश पीस ही दिया था, अब वो खराब निकलेगा मुझे क्या पता था। मैं कहती हूँ बेटा जरूरत ही क्या है ऐसा नया नया तामझाम वाला सामान लेने की। छोटी छोटी सुनना, जस्मीत जाके इसे बदलवा लाएगी, ठीक है बेटा? अब इसके पीछे और समय बर्बाद करो। देखो मैं गर्मा गर्म चाय लाया, मसाला डाल के, मैं कचौरी लेके आता। बाबूजी मोहित के साथ बहुत मजा आया, हमारा पूरा प्लान ऑफ एक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी है, ऑफिशियली हम लोग बहुत जल्द पार्टनर्स बन जाएंगे। मोहित जी ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सूरत वाले प्रोजेक्ट में वो बहुत सारी सक्सेस दिलाएंगे। एक्सक्यूज मी, हाँ नीरज बोलो, क्या तुमने अच्छे से देखा? अच्छा ठीक है, हाँ थैंक यू। बाबूजी आपने कितने रूबीज भेजे थे? 57, क्यों? बाबूजी नीरज कह रहा था कि क्लाइंट का भी उस फोन आया उसे, वो कह रहे थे कि सिर्फ 56 ही मिले। लेकिन मुन्ना मैंने तो तराशने के लिए 57 नंग दिए थे, समझ में नहीं आ रहा एक कहाँ चला गया। हो सकता है मैंने यहाँ वहाँ कहीं रख दिया होगा। कोई बात नहीं बाबूजी, कल ऑफिस में देखता हूँ पता चल जाएगा, आज से कभी भी हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं हुआ है। भाभी माँ चाय ठंडी हो रही है, कचौड़ियाँ कहाँ है? अरे ये चिट्टी महाराज भी ना, मैं ही देखती हूँ, मैं आएंगी आपके साथ। वैसे मुझे ना एक और बात कहनी थी, अब नमन तो कहेगा नहीं, हिचकिचाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बोल देती हूँ, हमें ना उसे सैलरी देना शुरू कर देना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेहनत कर रहा है जरूर देंगे। वो रूबी नहीं मिली, मैनेजर सर का फोन आया था, उन्होंने भी सबसे पूछा। कोई बात नहीं नमन, पता चल जाएगा, बस आगे से हमें और केयरफुल रहना पड़ेगा। फेस लगे बुद्धि बढ़े, ऐसा तुम्हारे दादाजी हमेशा कहते हैं मुन्ना, इसलिए ये बात गांठ बांध लो और आगे से सतर्क रहो। कचौरी खा लो। वाव भाभी माँ की हाथ की कचौरी, क्या सुगंध आ रही है। मैं एक फोन करके आता हूँ। फोन बंद कर मुन्ना, खबरदार जो नाश्ता करते समय किसी ने दफ्तर की बातें की या फिर फोन पर तुन तुन किया, मन का शांत रहना भी बहुत जरूरी होता है, हर वक्त काम काम काम। दिस इज नॉट फेयर, आप लोग बस मेरे पीछे ही पड़े रहते हो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या मेरा मन शांत रहना जरूरी नहीं है? खूब हंसी ठट्टा चल रहा है यहाँ तो। अभी जब पुलिस में कंप्लेंट करूंगी ना आपकी, तब पता चलेगा। मीना बहन, क्या हुआ मीना बहन? आपकी देवरानी फ्रॉड है, फ्रॉड, खोटा इलाज करती है, आता जाता कुछ है नहीं और दवा देती फिरती है सबको। पर आंटी हुआ क्या?
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।